सब लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे थे YouTube पे कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे दो साल दो, दो साल के बाद मैं पैसे कमा के दिखाऊंगा। लास्ट ब्लॉग जो था ना वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो मैंने कहा ये विश कर देते हैं, बाकी का ब्लॉग हम अब स्टार्ट करते हैं। बाबा जान स्टिल अभी तक कर रहे हैं, वो ये कंप्लीट करने के बाद ना बांटना भी है, जो भी आएंगे ना वो बांट देंगे। तीन हिस्से बनते हैं लोगों का, बाहर वालों लोगों का, एक घर का और एक रिश्तेदारों का, तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। मिन्हा आप भी कुछ कटवा दो यार। नो नो नो, कोई एक बोटी आप भी काटो, काटोगे इधर देखो। मिन्हा काटनी है? नहीं काटनी, बोटी आपने नहीं काटनी, बस देखने के लिए आई है। तो यहाँ रोटियां बन रही हैं, गोश्त तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, लेकिन सबसे पहले बनती है कलेजी। तो यहाँ पे हमारे बन गई है कलेजी। यार देखो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिकन ले रहा हूँ, चिकन कह रहा हूँ, सारा साल चिकन खाने वाली कौन, चिकन के ख्वाब आ रहे होते हैं, क्योंकि यार सारा साल एक ये रेयर मोमेंट ही होती है कि गोश्त बड़ा या छोटा गोश्त पके, अव्वल कीमा पकता होता है, गोश्त बहुत रेयर मोमेंट होती है। तो हमारे पास आ गई है बकरे की कलेजी, तो हम अपनी कलेजी इन्जॉय करते हैं, पराठा है सुबह का, तो खाते हैं और फिर रिव्यू देते हैं कि कैसा बना है। होपफुली बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है मुझे। तो बाबा जान अंदर खाना खाने चले गए, बड़ा भाई खा पंगे ले रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे आज भूख देगी, हम टेस्ट करते हैं। मैं तो क्या मजे का लग रहा है, जल्दी से फटाफट से ना खा के चेक करते हैं। सो यार लिटरली बहुत ज्यादा मजे की बनी है, बहुत ज्यादा यमी हो रही है प्लेट, मजा हैवी सीन हो गया। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह मैंने खा लिया, बहुत ज्यादा मजे का, बहुत टेस्टी बनी थी, मजा। हाँ जी भाई, वालेकुम भाई। अभी यार बन रहा है, अभी नहीं हुआ तैयार, नहीं हुआ, घंटे तक आ जाना, घंटे तक आ जाना यार। मुझे दोस्त ये लोग मेरा ना मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो आ रही है देखो, ये सब लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे थे YouTube पे कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे दो साल के बाद मैं पैसे कमा के दिखाऊंगा। कहा मैंने मुझे GoPro ले दो, मैं कहते थे लिंडी कुत्ते की लेके, मम्मा ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप देखना दो साल बाद आपको मैं पैसे कमा के, बस यही याद रखना। देख लो अब घर वालों के साथ मेरा चैलेंज हो गया कि मैंने दो साल बाद कमा के दिखाने हैं। पहले मैंने बिल्कुल भी ये चीज़, ये फील्ड कमाने के लिए ज्वाइन नहीं की थी, सिर्फ मेरा शौक था। इंशाल्लाह दो साल बाद आपने मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं थोड़ा बहुत अर्न करने लग जाऊँ। तो अब ये चैलेंज कम्प्लीट करना है, इनको कमा के दिखाना है। पहले मुझे नहीं था बिल्कुल भी ये खाने का भी, एक टके का भी शौक नहीं था। अब से मैं अपनी ऑडियंस बिल्ड करूँगा, सब्सक्राइबर गेन करूँगा और अर्निंग वाली साइड पर जाऊँगा इंशाल्लाह। आज ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड लिख लो कि इंशाल्लाह दो साल बाद मैं अपने YouTube चैनल से अर्निंग स्टार्ट करके दिखाऊंगा अपने घर वालों को। इन्होंने आज मुझे बहुत ज़्यादा ना छेड़ा है, इन्होंने कहा बस कर बेटा उससे कुछ नहीं होना। मैंने भी इनको चैलेंज कर दिया कि कोई नहीं, कह दो मुझे मजाक से ही रहे थे, उन्हें भी पता है कि मैं जो काम को ठान लेता हूँ ना, जिस काम की, वो कंप्लीट करके ही रहता हूँ। तो इंशाल्लाह करूँगा, आप लोगों ने बस सपोर्ट दिखानी है इनको, दो साल बाद हमने ना अपनी कामयाबी से दिखाना है करके साबित, ठीक है। यार देखो एक्चुअली हमारे घर का सीन ही है कि इनको बिल्कुल नहीं पता सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया की पावर से रिलेटेड। वो कहते हैं कि पता नहीं यूट्यूब वालों को पैसे कौन देता जो आप लोगों को पैसे देती है, कहते हैं कोई पैसे नहीं देते, झूठ बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा भाई जो कमाते हैं ना वो अच्छा भला कमाते हैं, हैंडसम अमाउंट में कमाते हैं। तो भाई लेकिन मैं तो ये फील्ड ही ज्वाइन नहीं की इसलिए कि मैं पैसे कमाऊँगा, अगर पैसे आएंगे तो वो माड़े नहीं है, किसको पैसे आते दुखते तो नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पे इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि वो बेचारे इस शौक को पूरा करने का कासर नहीं है, इसलिए वो मुझे बोलते हैं कि तो क्या अपने टाइम वेस्ट कर रही है वो। इंशाल्लाह हमने साबित करके दिखाना, उनको गलत साबित करना है कि हम इस काम में जिस चीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट की है ना उससे कुछ गेन किया है, कुछ हासिल किया है। और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं मेहनत पूरी करूँगा और अब मैंने पीछे नहीं हटना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब व्लॉगिंग नहीं छोड़नी बिल्कुल भी इंशाल्लाह। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा गोश्त बन गया, तो ये चांपे वगैरह भी हैं, ये वो सारी चीज़ें ना ये तकसीम होंगी, तीन हिस्से होंगे इंशाल्लाह इसके, तो एक हिस्सा अपने घर का, एक रिश्तेदारों का और एक गैरों का। तो ये मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है इसकी, तो ये माशाल्लाह ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, पैकिंग अब स्टार्ट करने लगे हैं इसकी। तो ये हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा रिश्तेदारों का है और वो जो घर पे आएंगे उनको देंगे हम इंशाल्लाह। गोश्त लेके गए इनकी खुशी की इंतहा नहीं है।
चिंटू ने सुबह का 2 चम्मच सेरेलैक खाया हुआ है, अब इसके लिए फिर से सेरेलैक बन रहा है। चिंटू ये खा के ना अब तूने सो जाना है, सोया हुआ सुबह से सारा दिन का सोया ही रहता है हर टाइम ना। ये लो इस कपड़े में लपेटो इसको। बिस्मिल्ला खाओ खाओ। देखो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त वगैरह कंप्लीट हो गया है, कट कुट के ना मतलब तकसीम भी हो गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कीमा करवाने, ये गोश्त का ना बोनलेस जो गोश्त बचा है ना उसका कीमा करवा के आते हैं, तो बस यही है कीमा ही करवाने करते हैं। भाई किस तरह कर रहे हो चिकन, ये किस तरह कीमा कर रहे हो? भाई नीचे से फटा हुआ है। फटा है तो बस शुगर गिरा नहीं है। साढ़े तीन किलो बना। देखो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं कीमे का चिकन करवा लिया। वाह वाह क्या बात है, मैं ना उसका गोश्त का कीमा करवा के ले आया हूँ। इन्होंने शॉपर ही फटा हुआ दिया था, वो तो शुक्र है कि वो गोश्त के टुकड़े जो उनसे मोटे मोटे थे वो शॉपर फट के निकले नहीं, वरना गंदा हो जाना था सारा गोश्त, धो के लेके जाना पड़ना था फिर दोबारा से। तो खैर ना फिर उससे उसके पास शॉपर नहीं था, वो शॉपर लेने गया तो शॉपर में डलवा के कीमा करवा के ले आया। तो वो पता नहीं मोटा पतला, वो कह रहे थे कहा था बारीक करवा के लाना, मैंने कहा सारी जगह होता ही मोटा है। तो वो घर वाले तो बस कीड़े निकालते रहते हैं हर काम में, सही भी कर दो तब भी बोलते हैं, ना सही करो तब भी, वो तो ऑब्वियसली बोलना ही होता है उन्होंने। तो यार आज मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता, मैं आगे तो लेट गया हूँ। हालांकि कोई काम नहीं किया, काम चोरों वाले काम किया, मैं साइड पर बैठा था सारा कुछ बड़े भाई और बाबा जान ने किया, बट फिर भी थकावट हो गई है थोड़ी बहुत ना, मुझे स्मेल सी आ रही है। बाबा जान पाए बना रहे हो? बाबा जान पाए बना रहे हैं, देखते हैं जा रहे हैं। ये पाए बाबा जान जला रहे हैं, इसकी स्मेल हुई है, मैं वो कोई स्मेल जलने की आ रही है। ये बाबा जान पाए सेट कर रहे हैं कितनी इसकी चढ़ रही है इस बार। वो वाले फर्स्ट है, ये फर्स्ट वन सही हो गया, चलें कर रहे हैं जी कैरी ऑन बाबा जान। तो अस्सलाम वालेकुम चिंटू भाई, आ जाओ बाहर, आपको मेडिसिन पिलाएं। अच्छा देख तेरी कैट फोड़ तेरी जान को रू रही है, नजरा नहीं चखी, पिलाओ जी इसको सिरप। तो चलो जी चिंटू भाई पी लो, अब आपकी ना मेडिसिन का टाइम है। पकड़ा हुआ। बिस्मिल्ला शाबाश पी गया कि नहीं? तो माशाल्लाह चिंटू जी आपने अपनी मेडिसिन खा लिया ना, अब शराफत से सिरप पी लिया, आधे घंटे बाद खुद ही खा लेना, फूड इधर पड़ी हुई है ना बाद में खाना, ठीक है? चलो शाबाश, मैं अपना ये लॉक कर दिया, अब ये खुद ही खाएगा। देखो चिंटू को उसकी मेडिसिन दी है, अभी मैं लेने जा रहा हूँ उसके लिए सेरेलैक। अमूमन तो हम अपने बच्चों के लिए लेने जाते होते हैं, लेकिन आज कैट के लिए लेने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं खा रहा, कैट फूड भी नहीं खा रहा, उसके सामने दूध रख दो दूध नहीं खाता, आज बोटी रखी और चर्बी रखी, नहीं कुछ भी खाया उसने, टेस्ट भी नहीं किया स्मेल भी नहीं किया। तो अभी ज़बरदस्ती उसको मेडिसिन दी है, फिर घंटे पौने घंटे बाद ना उसको सेरेलैक खिलाएंगे, तो वो सेरेलैक लेने जा रहा हूँ। यार देखो मैंने चिंटू के लिए ना सेरेलैक ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ घर। हैं मैं बाइक पे आया, मेरे काम चेक करो, मैं पैदल ही जा रहा हूँ, बाइक खड़ी हुई है यार, कोई हाल नहीं। चिंटू छोटा है ना तो इसलिए छोटा सा ले लेता हूँ ताकि वो बचाए ना, खा लेता 2 दिन उसके चल गए इसी में। यार फाइनली गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो बाबा जान ने पाए बिल्कुल सेट कर दिए हैं, एक एक बाल उतर गया उसके ऊपर से, अब बस जिस दिन ये बनेंगे ना आए हाय हाय मजे आ जाएंगे। जिस दिन बारिश होकर फटेगी ना उस दिन बनाएंगे ठंडे मौसम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अभी फिलहाल बन रही है रोटी, रोटी खाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना ये गोश्त है, नमक मिर्च वाला गोश्त, हाय हाय क्या मज़े का गोश्त। सो यार आई नो कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, तो होपफुली इसको अब एंड करना चाहिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।